हमारी फोर्थ क्लास की जनरल साइंस में एक टॉपिक है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। ऊंची आवाज से बोलें, कौन सा टॉपिक है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम कहते हैं हमारे माहौलियाती निजाम को, हमारे जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और इसमें दो चीजें आती हैं। क्या चीजें आती हैं? एक है जी एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें जो है सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। बोले ऊंची आवाज से, क्या आता है? टेम्परेचर। उसके बाद आती है एयर। क्या आती है? एयर। उसके बाद आते हैं वाटर। क्या आता है? वाटर। उसके बाद आती है लाइट। क्या आती है? लाइट। और उसके बाद आती है सोयल। क्या आती है? सोयल। ये पांच चीजें हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्या है? ये पांच चीजें क्या चीज है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्या है? और इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई? टेम्परेचर, बोले ऊंची आवाज से, टेम्परेचर, एयर, लाइट, वाटर और सोयल। क्या है? सोयल। ये पांच चीजें हो गई। और एक है लिविंग कंपोनेंट्स। क्या है? और ये है बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या है? और इनको लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनमें तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? पहली चीज है प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? पौधों को कहते हैं। किसको कहते हैं? और पौधे अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं। पौधे अपनी खुराक। दूसरी चीज है कंज्यूमर। क्या है? इंसानों और जानवरों को कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर किसको कहते हैं? इंसानों और जानवरों को। किसको? जो इन पौधों को खाते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। क्या कहते हैं? कंज्यूमर क्या चीज हो गई? इंसान और जानवर। क्या है? और आखिर में है डीकम्पोजर। क्या है? और डीकम्पोजर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई। इंशाल्लाह इन बातों को याद रखेंगे अपने जहन के अंदर कि नहीं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो हिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो हिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के हजीनों में। और मुल्क पाकिस्तान से अपनी बेपनाह मोहब्बत का सबूत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।